अस्सलाम वालेकुम क्लास, लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू था वो था काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने किए थे। आज हम उसके कोई एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 17 हम करें और क्वेश्चन नंबर है उसका 17.44, उसका बी पार्ट। यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बाय इनकम लेवल। जो उन्होंने हमें टेबल के अंदर दिया हुआ है ये परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। एंड ओनरशिप ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 फैमिलीज इन द सिटी ऑफ लाहौर, और उन्होंने हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि ग्रैंड टोटल दिया हुआ है 400 ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। नीचे उन्होंने टेबल दिया है, होम ऑनर रेंटर है, दो कैटेगरीज ये हैं, इनकम लेवल की तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास यहाँ पे। नीचे वैल्यूज उनकी परसेंटेज के अंदर दी हुई हैं। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द होम ऑनरशिप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैमिली इनकम लेवल, ये उन्होंने हाइपोथेसिस हमें यहाँ पर बता दी है, ठीक है। या जनरल हाइपोथेसिस लिख सकते हैं कि होम ऑनरशिप एंड द इनकम लेवल, देर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन होम ऑनरशिप एंड फैमिली इनकम लेवल, जो जनरल हाइपोथेसिस लिखा जा सकता है। या आप ये भी लिख सकते हैं, यूजिंग 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है जी, 1% हमारे पास। तो लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ चेंज है कि यहाँ पे उन्होंने हमें परसेंटेज दी है और हमें क्या करना पड़ेगा, इन परसेंटेज वैल्यूज़ को न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम काई स्क्वायर का फार्मूला लगा सकें। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर हम जो करने जा रहे हैं वो है 17.44, उसका बी पार्ट। फर्स्ट स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ, एच नॉट लिखूँगा, देर इज नो एसोसिएशन या रिलेशनशिप बोला जा सकता है बिटवीन होम ऑनरशिप एंड इनकम लेवल। एच वन क्या लिख सकते हैं, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन होम ऑनरशिप एंड इनकम लेवल। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, अल्फा 0.01। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम इसको अल्फ़ा बाय टू या 1 - α/2 में नहीं चेंज करेंगे, हम इसको 1 - α में चेंज करेंगे। 1 - α क्या हो जाएगा, 0.99। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक देखा जाए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले आएगा। थर्ड स्टेप क्या आएगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वी इज इक्वल टू R-1 × C-1। R-1 नंबर ऑफ रोज़ माइनस वन, कितनी रोज़ है हमारे पास, 2 रोज़ हैं हमारे पास। कॉलम कितने हैं, 1, 2 and 3 कॉलम है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2-1 and 3-1, तो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। फोर्थ स्टेप क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास फार्मूला लगेगा, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू सम ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है जी। फिफ्थ स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यू लिखना। क्रिटिकल वैल्यू लिखने के लिए हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 यूज़ करेंगे, 1 - α 0.99 यूज़ करेंगे। तो काई स्क्वायर वी 1 - α काई स्क्वायर 2 and 0.99।
यहां पे टेबल वैल्यूज देख लेते हैं। नाइन पॉइंट टू वन, सिक्स स्टेप क्या होता है हमारे पास, सिक्स स्टेप हमारे पास होता है ये क्रिटिकल रीजन लिखना। तो क्रिटिकल रीजन आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन में सेम लिखा जाएगा कि इफ काई स्क्वेयर कैलकुलेटेड वैल्यू बिकम्स ग्रेटर देन 9.21 यानी कि टेबल वैल्यू, देन वी रिजेक्ट एच नॉट। सेवन स्टेप क्या होता है, वो होता है कैलकुलेशन का, ठीक है। सेवन स्टेप क्या होता है कैलकुलेशन का, हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिखना पड़ेंगी, हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेंगी, लेकिन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए मैं यहाँ पे आप टेबल बनाने लगा हूँ। हमारे पास टेबल है जी, यहाँ पे होम ऑनर और रेंटर ठीक है जी। इनकम लेवल हमारे पास है लेस देन 12,000, 12,000 टू 60,000 एंड ग्रेटर देन 60,000, ये हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। ग्रैंड टोटल हमें पता है कि हमारे पास 400 फैमिलीज का डाटा है, ठीक है। ये 5% है, ये 35% है, ये हमारे पास 10% है, ये हमारे पास 15% है, ये हमारे पास 25% है, और ये हमारे पास 10% है। तो ये परसेंटेज में वैल्यूज़ हैं, इनको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5% है तो हम टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज जो हैं कैपिटल एन की जो वैल्यू है हम 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5% के साथ। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 20, ये हमारे पास इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर 35% है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 140। इसकी 10% की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ गई 40, इसकी भी 40 आ गई। 25% की 100 आ गई और 15% की 60 आ गई। ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं जी, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गई हैं जी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं हमारे पास। तो हम अब लिख लेते हैं, किसी भी सीक्वेंस से आप लिख सकते हैं इनको, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे आ जाएगा कॉलम टोटल, यहां पे आ जाएगा रो टोटल। 20 प्लस 140 प्लस 40 ये आ गया 200, 100 ये भी आ गया 200, ये आ गया 80, ये आ गया 240 और ये आ गया 80, ठीक है जी। ले जी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 20 की निकालने के लिए उसका रो टोटल 200, उसका कॉलम टोटल 80, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इसकी 40 हमारे पास आ गई,
सिमिलरली हमारे पास जो ये है इसका भी 40 आ जाएगा। 140 के लिए 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 के साथ और 400 पे डिवाइड कर देंगे, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ये आ गया हमारे पास 120 और ये भी आ जाएगा यहाँ पे 120। आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 40 के लिए 40 आ जाएगी, 40 40 आ जाएगी। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड और उसको स्केयर कर लेते हैं, ट्वेंटी माइनस 40 20 आ जाएगा और उसको स्केयर करेंगे तो 400। इनका डिफरेंस लेके वो भी 400 आ जाएगा, इनका जीरो इनका जीरो, इसका भी 400 और इसका भी 400 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड स्केयर को एक्सपेक्टेड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टर्म बन जाएगी ओ माइनस ई स्केयर ओवर ई का टोटल आ जाएगा हमारे पास। 400 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 400 को 120 पे डिवाइड करेंगे तो 3.33 आ जाएगा, जीरो को डिवाइड करेंगे तो वो जीरो जीरो आ जाएगा, 400 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा। तो ये 26.66 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास कंक्लूजन इसका लिखेंगे कि काई स्केयर कैलकुलेटेड 26.66 किससे ग्रेटर किससे आ गई है, ये वैल्यू ग्रेटर है ग्रेटर देन 9.21, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। ये बेटा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसमें सिर्फ यही चेंज था कि आप लोगों ने क्या करना बेटा, कि आप लोगों ने यहाँ पे जो परसेंटेज में वैल्यूज़ हैं उनको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज बनती जाएंगी, ठीक है जी। ये था आपका एक डिफरेंट सा क्वेश्चन। ये बेटा बुक है, इसके क्वेश्चन नंबर 17.41 का बी पार्ट यहाँ से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 17.50 तक ये सारे क्वेश्चन किससे होने वाले हैं, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस से होने वाले हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किससे होने वाले हैं, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 17 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 17.41 का बी पार्ट से लेके 17.51 तक, 50 तक ये सारे क्वेश्चन किससे होने वाले हैं, काई स्केयर से होने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है, जो डिफरेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है। प्रैक्टिस के लिए आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपने
क्वेश्चन नंबर 17.48 कर लें। एंड 17.49 कर लें, या 17.49 ही 17.50 कर लें। ये है आपके जी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, अभी हमने काफ़ी अपना सिलेबस कवर कर लिया हुआ है, इसलिए अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो कुछ चीज़ों को हम रिवाइज़ कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।